नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू इस पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि हम आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपकी अप्रैल 25 को होना है। रोजाना की तरह यही बात बताना चाहूँगा कि पर्यावरण सब्जेक्ट की हम आपकी टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज अंतरिक्ष विज्ञान का तीसरा हमारा सेशन है, यानी कि तीसरा वीडियो है। दिन हमारा 46 हो चुका है, मतलब हमें तैयारी करते करते ऐसे वीडियो बनाते बनाते 46 दिन हो गए। और साथ में जो आपके संडे वाले दिन है, जिसमें हम 30 मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन या जो हम पढ़ते हैं उसका मिक्स क्वेश्चन का एक वीडियो होता है, उनके हम 6 या 7 वीडियो कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम पिछले 2 महीने से आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो यदि आपने अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित क्वेश्चन के नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप आई बटन में देख लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में, तो मैं नहीं डाल पाता हूँ उसमें, तो टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आपको इन क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाया करेगी। अभी नहीं डाल रहा हूँ लेकिन मैं डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको PDF सभी क्वेश्चंस की मिल जाएगी विद आंसर। और आपका अंतरिक्ष विज्ञान में हम कौन से क्वेश्चन करेंगे ये आपके PEB के हिसाब से मैंने यहाँ डाल रखा है। तो जो नए हैं चैनल पर, कृपया नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी तैयारी भी आपकी तरह बेहतर चल सके। और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि और किस तरह के मुझे सुधार अपने वीडियो में लाने चाहिए। आवाज़ की कोई समस्या हो तो मुझे उसके लिए भी कमेंट्स करें। आज का मोटिवेशनल थॉट है हमारा, कुछ इस तरह बुनेंगे हम अपनी तकदीर के धागे कि अच्छे अच्छों को झुकना पड़ेगा हमारे आगे। तो बस तैयारी कीजिए, इसमें तो समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि समझाएं, ये है कि बस आप अगर सफल होंगे तो आपके सामने 10 लोग आके झुकेंगे। जितनी बड़ी आपकी पोस्ट रहेगी, जितना बड़ा आपका पद रहेगा, उतने व्यक्ति आपके आसपास रहेंगे। तो अभी सिर्फ आपको तैयारी करते रहना है ना, और अच्छी से अच्छी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करना है, यह तो आपका कंटिन्यू करना ही है आपको। और इसी को लेकर यदि आप बैठे हैं तो कोई बात नहीं, इसी को क्वालिफाई करने का उद्देश्य बना के चलिए। यदि लेकिन किसी और ने कुछ बड़ा करने का सोचा है तो वो इस एग्ज़ाम से मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं रहेगा, उसको कुछ और बनने की वो सोचेगा, या फिर किसको टीचर ही बनना है तो फिर उसके लिए तो फिर ये एग्ज़ाम ही मेन रहेगी। कि जब किसी को टीचर बनने का उद्देश्य ज़िंदगी में, तो वो टीचर के लिए तैयारी करेगा, तो उसको दूसरी जॉब चाहिए कि नहीं, है ना। अपना अपना एक जुनून होता है अलग अलग फील्ड में जाने का। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा, भूस्थैतिक उपग्रह किस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। मैंने बताया था कि आपकी पृथ्वी होती है, ये आपका ध्रुवी कक्ष होता है, और ये आपका भूस्थैतिक कक्ष होता है, ठीक है। जहाँ पर हम उपग्रह को छोड़, दो ही कक्ष होती है जहाँ पर हम सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहने वाले सैटेलाइट आपके 1.5 घंटे परिक्रमा करते हैं, और यहाँ पर रहने वाले सैटेलाइट आपकी 24 घंटे में पृथ्वी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, ठीक है। तो वो किस किसके हिसाब से परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी गति से अपनी परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सेटेलाइट छोड़ जाते हैं उनको भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं, और यहाँ पर आपके ध्रुवी उपग्रह छोड़े जाते हैं उनको पोलर सेटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा, भूस्थैतिक उपग्रह की जो हमने पढ़ा था कल, की 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, इनकी डिस्टेंस पृथ्वी की सतह से। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इनसेट यानी कि इनसेट जो आपका उपग्रह है वह किस वर्ग का उपग्रह है, मतलब उसको मानव द्वारा बनाया गया है, या फिर वो प्राकृतिक उपग्रह है, या फिर वो भूस्थैतिक यानी कि अभी मैंने जो कक्षा बताई थी ध्रुवी कक्षा के ऊपर उसमें उसको स्थापित किया गया वह उपग्रह है, किस तरह का उपग्रह है, या फिर मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह किस तरह का उपग्रह, ये बताना है। तो ये आपका कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया गया है। कल से हम इनसेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आप इसका सही करके आएंगे। यदि आपका कृत्रिम उपग्रह नहीं दिया हो तो आपको भूस्थैतिक उपग्रह इसका करना है, अगर नहीं हो ऑप्शन में तो। ये कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया, तब आपको उसको मानव द्वारा ही करना है। इनसेट की प्रथम पीढ़ी इनसेट फर्स्ट में कुल कितने उपग्रह थे, ये 5 है, तो 5, 8, 7 और 4। तो आपके इनसेट की प्रथम पीढ़ी में जो उपग्रह थे वो थे आपके 4। रुक रुक के आंसर दूंगा ताकि आप भी थोड़ा सोचें कि इसका उत्तर क्या आएगा, है ना। अब क्या चल रहे हैं, अब क्या इनसेट की सीरीज चल रही है, अब आपकी 3D से 7D, 7D तक चल चुकी है, मतलब 7D सीरीज हम इनसेट की बना चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम किस भारतीय उपग्रह से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं प्रदान की गई थी, मतलब कौन सा ऐसा उपग्रह जिसका उपयोग क्षेत्रीय दूरदर्शन के प्रसार करने के लिए किया गया था। आपके पास ऑप्शन है इनसेट 2A, इनसेट, मेडसेट, इनसेट 5। तो सर्वप्रथम जिस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया गया था दूरदर्शन के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले, तो वो इनसेट 2A के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो उपग्रह काम कर रहा था भारत का पहला, वह कौन सा था। आपका ऑप्शन है मेडसेट, भास्कर, एडुसेट, यह सभी। तो दोस्तों
सेटेलाइट का शिक्षा में क्या काम है, जैसे मान लो कि मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे रहता हूँ, आप कहीं दूरस्थ स्थान पर रहकर पढ़ रहे हैं, तो एक इंटरनेट इसका माध्यम है, तो सेटेलाइट का इसमें क्या उपयोग रहा? ये तो आपके हमने यूट्यूब की बात कर ली, जब हम दूरस्थ स्थानों की बात करते हैं और वहाँ हम लाइव क्लासेस की बात करते हैं और कम्युनिकेशन की बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तब इन शैक्षिक उपग्रह की आवश्यकता होती है। ये यूट्यूब की बात नहीं कर रहे हम बड़े बड़े लेवल की जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं वो देश विदेशों में अपनी संस्थाएँ चलाते हैं, पढ़ाई होती है आपकी ऑनलाइन, जैसे कि आपकी मूवी लॉन्च होती है सेटेलाइट के द्वारा, आप देखने जाते हैं सिनेमा में, आप उसी तरह से इस शैक्षिक उपग्रह को मान सकते हैं। तो वह कौन सा पहला उपग्रह था ऐसा? वह था एडूसेट आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, एडूसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी जो भी एडूसेट हमने देखा है उसको कब प्रक्षेपित यानी कि भेजा गया था कक्षा में, है ना? तो आपके पास ऑप्शन है 20 सितंबर 2009 को, 10 सितंबर 2009 को, 30 सितंबर 2009 को और 15 सितंबर 2009 को। तो एडूसेट को जो है 20 सितंबर 2009 को भेजा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वे उपग्रह जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ऊपर से होकर गुजरते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है, इसकी एक कक्षा हो गई, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई, ये इसका अक्ष हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। तो कहा जा रहा है कि जो उपग्रह इस कक्षा में घूमते हैं और ये ध्रुवों के ऊपर से होकर जाते हैं, मतलब इस तरह से राउंड राउंड लगाते हैं और ये ध्रुवों के ऊपर जाते हैं, तो ध्रुवीय कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह भेजते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यदि ये आपको पूरा इसका थीम पता है तो आप आसानी से वो कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग के उपग्रह भू उपयोग, ध्यान दीजिएगा, हमें वो उस वर्ग के उपग्रह के बारे में बताना है जिसका उपयोग भू उपयोग, कृषि भू उपयोग तथा पृथ्वी के विविध संसाधनों का आंकड़ा, मानचित्र तथा सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए व प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो इस तरह के उपग्रह कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो है उपग्रह, ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह, भूस्थित के उपग्रह, है ना, तो उपग्रह तो इसमें ऑप्शन आएगा नहीं, है ना, तो उपग्रह काट दिया हमने। पहले आंसर जितने भी हो उनको आप एलिमिनेट यानी कि इसको स्किप करने की कोशिश करें कि हम कितने हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो ऐसे उपग्रह जो कि आपको भूमि से संबंधित जानकारी देते हैं, जो 1.5 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं, वो ध्रुवीय कक्षा में उनको छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, जो कि आपको भूमि से संबंधित जानकारी देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय उपग्रहों की कौन सी श्रृंखला पृथ्वी की वस्तुओं के भौतिक संपर्क में आए बिना ही उस पर पड़ने वाली सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का मापन कर विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराती है? मतलब क्या समझ में आया आपको इससे? चलो समझते हैं, मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपका सन है, ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहाँ से सूर्य की विकिरण आई, वो यहाँ गई मान लो परावर्तित होकर, तो इसके द्वारा ये सैटेलाइट के द्वारा जिस किसी धातु पर जिस किसी तत्व पर ये विकिरण पड़ती है उनका मापन इस सैटेलाइट के द्वारा वहीं से बिना उसको छुए भौतिक मतलब उसको बिना फिजिकल यानी कि बिना उसको टच किए बिना छुए मतलब किसी विकिरण की सहायता से पता लगा लेती है कि विकिरण की मात्रा कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब इसमें तापमान कितना है और ये किस तत्व से होकर आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, और जो जिस तत्व पर पड़ रही है वो तत्व मतलब वो मेटल है कौन सा, वो धातु है कौन सी, इसका पता लगाया जाता है। तो ये आपका यही कहना चाहा था इस क्वेश्चन में कि भौतिक संपर्क में आए बिना ही उस पर पड़ने वाले सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का मापन कर विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराती है, उसके बाद ये सूचना को सब जगह उपलब्ध करा देती है, तो इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। तो आपके पास ऑप्शन है भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, भूस्थितिक उपग्रह, कार्टोसेट फर्स्ट और प्राकृतिक उपग्रह, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो इसका रहेगा इंडियन नेशन रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पहला भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A कब छोड़ा गया? 17 मार्च 1988 को, 25 मार्च 1985 को, 25 दिसंबर 1995 को, 30 जून 1995 को। तो पहला भारतीय सुदूर संवेदी यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो IRS-1A छोड़ा गया था वो आपका 17 मार्च 1998 को छोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है IRS-A का प्रमुख कार्य क्या था? तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिमोट सेंसिंग का काम है, तो उसमें हर तरह के सर्वेक्षण आपको बिना भौतिक संपर्क के विश्वसनीय स्तर पर दिखाता है।
तो आपके पास ऑप्शन है मृदा सर्वेक्षण, जल स्रोतों संबंधी खोज करना, वन पर्यावरण एवं खनिज संबंधी खोज, यह सभी। तो दोस्तों मैंने आपको मेटल संबंधी कुछ बताया था, तो आप ऐसा ना हो कि वन पर्यावरण एवं खनिज संबंधी खोज पर ऑप्शन करके क्लिक करके आ जाएं और आपका गलत हो जाए। इसमें ये मृदा संरक्षण में भी आपका काम करता है, जल स्रोतों संबंधी खोज करने में भी, और वन पर्यावरण खनिज संबंधित खोज, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया ही है जो कि 9th नंबर का था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, यह सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। IRS श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV C1 से छोड़ा गया था, यानी कि आपको बताना है PSLV C1 से छोड़ा जाने वाला आपका IRS श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है IRS-1D, IRS-P4, IRST-1, ISTC-1A। तो PSLV क्या है, ये एक कुल मिलाकर आपका जिसमें हम उपग्रह को भेजते हैं दूसरे कक्ष की परिक्रमा करने के लिए, किसी दूसरे अन्य ग्रह की परिक्रमा करने के लिए। PSLV, GSLV आपने नाम सुने होंगे, मंगलयान, हमने मंगलयान भेजा था, हमने चंद्रयान 2 भेजा था, तो ये PSLV GSLV हो गए, ठीक है। तो ये क्या आपके भेजने के वाहन हैं, तो इनमें कौन से उपग्रह को भेजा गया था IRS श्रृंखला की, ये हमें बताना है। पर पहले हम PSLV का पूरा फुल फॉर्म जानते हैं कि पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये इसका हो गया आपका फुल फॉर्म, GSLV, इन सब के आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इसके द्वारा जो पहला IRS श्रृंखला का उपग्रह लॉन्च किया गया था वह था IRS-1D। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने लूना कार्यक्रम नामक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन श्रृंखला की शुरुआत की थी। आपके पास ऑप्शन है सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव रहित जो अंतरिक्ष मिशन श्रृंखला की शुरुआत की थी सबसे पहले, जिसको हम लूना कार्यक्रम कहते हैं, वह सोवियत संघ ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अपोलो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन इस्तेमाल किया गया था। आपको पता है प्रोजेक्ट अपोलो जो है वो कहाँ के हैं आपके, अमेरिका के, अमेरिका में कहाँ के आपके, नासा के, है ना। इन्होंने क्या है चंद्रयान पर अपने व्यक्ति जो भेजे थे पहली बार, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, तो वो अपोलो 11 वगैरह के द्वारा भेजे गए थे वो। तो आपको अपोलो से क्या समझना है, अपोलो जो अंतरिक्ष यान जो ये थे वो प्रोजेक्ट अपोलो के अंतर्गत आते थे, तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था जिसमें भेजा गया था, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेटर्न लॉन्च वाहन, फाल्कन हेवी लॉन्च और रॉकेट लैब टेस्ट। तो जिस वाहन का उपयोग किया गया था भेजने के लिए उसका नाम है आपका सेटर्न लॉन्च वाहन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट अपोलो का हिस्सा नहीं है। प्रोजेक्ट अपोलो यानी जितने भी अपोलो सैटेलाइट भेजे गए थे वो आपके 11 से लेकर जितने भी अपोलो सैटेलाइट एक के बाद एक चंद्रमा पर भेजे गए, तो उनको पूरा पूरा नाम दे दिएगा, जो आपका प्रोजेक्ट अपोलो दे दिया गया पूरा जितना भी हिस्सा उसको। तो इसमें ये पूछा है कि ये जितने भी एस्ट्रोनॉट जिनके नाम दिए गए हैं इनमें से कौन ऐसा है जो प्रोजेक्ट अपोलो से संबंधित नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस, यूरी गगारिन और बज एल्ड्रिन। दोस्तों दो नाम तो आपको जाने पहचाने और सुने होंगे आपने। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अमेरिका की नासा है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। अपोलो 11 का जो हिस्सा थे यानी कि पहली बार जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा वो थे आपके नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अपोलो 11 से कितने लोग जुड़े हुए हैं, अपोलो 11 का यदि नाम आता है और उसमें कितने लोगों को चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था, तो चंद्रमा पर भेजने के लिए पहले हम जानते हैं ये आपका जो चंद्रमा की सतह हो गई, ठीक है, चंद्रमा की सतह के आसपास की कक्षा हो गई। तो यहाँ पर एक आपका व्हीकल होता है जो कि आसपास कक्षा में घूमता रहता है, और फिर यहाँ से एक लैंडर निकाला जाता है जो कि चंद्रमा की सतह पर जाता है। तो इसमें उस लैंडर में थे आपके नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, ठीक है, ये दोनों गए थे चंद्रमा की सतह पर। सबसे पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। और आपके जो माइकल कोलिंस क्या कर रहे थे, ये ऊपर कक्षा में इस वाहन में बैठे बैठे चक्कर लगा रहे थे पूरी चंद्रमा के आसपास की कक्षा में। और आपके तीनों किसे संबंध हो गए, प्रोजेक्ट अपोलो संबंध हो गया। अब बचा कौन सा आपका, आपको समझ में आ गया यूरी जो गागरिन है, ये आपके ऑप्शन नंबर 3, ये आपके इससे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये रूस से संबंधित है। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो था, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो
अच्छा लगा या नहीं, या फिर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करें, जिससे कि मैं उसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।